तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन महाराजा की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार होती है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको चपाती रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े की लगती है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। चिकन महाराजा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 600 ग्राम के आसपास चिकन लिया है। यहाँ पे हमने विद बोन चिकन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। सब में ये मज़े का बनता है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा, धोने के बाद इसके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। इसी के साथ इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है। और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम गर्म मसाला पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ ही 1 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें 2 पिंच फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है इसे, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए यहाँ पे हम 2 पिंच डालने के बाद इसको हाथों की मदद से इसको अच्छे से हमें मैरिनेट कर लेना है। इसी के साथ ही इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। डाल के हमें इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आधा नींबू का रस डालिएगा। आपका छोटा है तो आप जो है एक भी डाल दीजिएगा, और अगर आपका नींबू बड़ा है तो आप इसमें आधा ही नींबू का रस डालिएगा। डाल के इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको साइड रख देंगे। और चलिए हम इसके आगे की तैयारी करते हैं। इधर हमने एक पैन चढ़ा लिया है, इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम साबुत धनिया डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हमें सौंफ डाल देना है। इसी के साथ ही हम इसमें 2 लौंग डाल देंगे। एक बड़ी इलायची लेंगे हम, जिसका इस तरह से हमें बीज निकाल के सिर्फ डालना है और ये छिलके को अलग कर देना है। इस तरह से इसका बीज डाल देंगे, ये छिलका जो है इसका हमें निकाल देना है। इसी के साथ ही हमें 6 से 7 दाने हमने यहाँ पे काली मिर्च के लिए हैं। यहाँ पे हमें गरम मसाला तैयार करना है। इसको अच्छे से हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने तक के हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसका कलर नहीं बदलना चाहिए, बस हमारे मसाले जो है वो हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाएँ। इस तरह से आप इसको चलाते हुए अच्छे से हल्का से इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इधर हमने मसालों को चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब इसको हम किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे और निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। इधर हमने मसालों को एक बर्तन में निकाल लिया। अब देख सकते हैं हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। इधर हमने मसालों का पाउडर बना लिया। अब देख सकते हैं इस तरह से आप इसका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। अब इसको हम साइड रख देते हैं, चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इधर हमने फिर से एक पैन चढ़ा दिया है। यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल आप चाहे रिफाइंड ले लीजिए या फिर आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, जो आपको तेल पसंद हो आप वो ले लीजिए। इसी के साथ ही यहाँ पे हमने एक प्याज ली थी, जिसको हमने इस तरह से रफली रफली चॉप कर लिया था। इसको हमें चलाते हुए इसको अच्छे से हमें हल्का सा सौते कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इसी तरह से हम चलाते हुए सौते कर लेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे 3 हरी मिर्च ली थी, जिनने इसकी इस तरह से मोटा मोटा तोड़ लिया है। इसको भी हमें डाल लेना है। डालने के साथ जो है हम दोनों चीज़ को इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से हमें सॉफ्ट होने तक के हम इसको पका लेंगे। इधर हमने प्याज को सॉफ्ट होने तक के पका लिया है, कम से कम 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया। इसी के साथ ही इसमें हम यहाँ पे 10 से 12 हमने टूटे हुए काजू लिए हैं। अगर आपके पास साबुत हो तो आप यहाँ 7 से 8 ले सकते हैं। 1 टीस्पून ही यहाँ पे हमने खरबूजे का बीज लिया, इसको मगज भी कहते हैं। इसको हमें डाल देना है, क्योंकि ये हमारा चिकन महाराजा है इसलिए इसमें शाही जो है मसाले वगैरह जाएंगे। इसमें यहाँ पे हमने काजू और मगज का यूज़ किया। इसको भी डाल के हमें इसको हल्का सा प्याज का कलर बदलने तक के हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसका कलर गोल्डन होने लगेगा, बस इतना ही इसको हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। इधर हमने प्याज को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर वगैरह बदलने लगा। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। देख सकते हैं इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है, बस जिस तरह से इसका कलर चेंज होने लगेगा बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। इधर हमारा प्याज वगैरह ठंडा हो गया था, हमने इसको एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। डाल के इसी के साथ ही इसमें हम यहाँ 3 टेबल स्पून इसमें हम फ्रेश दही डाल देंगे। यहाँ पे हमें फ्रेश दही लेना है, ना बहुत ज़्यादा खट्टा रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा मीठा रहा है। रेगुलर जो आप यूज़ करती हैं वो दही ले लीजिएगा, डाल दीजिए हमें। डाल के अब इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर हमारे मसालों का पेस्ट तैयार है, चलिए अब शुरू करते हैं हम इसको बनाना। इधर हमने फिर से एक पैन चढ़ा लिया है। यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो जो हमने हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था इसको हमें इसमें डाल देना है। डाल के हमें एक अच्छा सा कलर आने तक के इसको अलग पलट करते हुए हाई फ्लेम पे जो है इसको हमें फ्राई कर लेना है। इसी तरह से 1 ग्रिल मार्क आने तक के हम इसको पका लेंगे। इसी तरह से सब चिकन को हमें इसको फैला देना है। फ्लेम को यहाँ पर हमने बिल्कुल हाई कर रखा है, हाई फ्लेम पर हमें सभी चिकन को इस तरह से देख सकते हैं हम फैला देंगे। आप चिकन को लो कर देंगे तो हमारा पानी छोड़ देगा
फ्लेम को लो कर देंगे तो ये अच्छे से नहीं बनके तैयार होगा। इस तरह से हम इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसको इसी तरह से एक साइड से पका लेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे और पलट करते हुए दोनों तरफ एक अच्छा सा कलर आने तक इसको हम पका लेंगे। इधर हमने फ्लेम को हाई करके चिकन को एक अच्छा सा कलर देते हुए अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसमें ग्रीन मार्क वगैरह आ चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको साइड रख देंगे। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, यहाँ पे हमने एक कप ऑयल डाल दिया है। आप जिस बर्तन में बनाना चाहती हैं वो बर्तन चढ़ा लीजिएगा। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक तेज़पत्ता डाल देंगे और 2 से 3 इस तरह से दालचीनी डाल देंगे। तेल में सभी चीज़ अच्छे से तड़क जाएगी। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ली जिसको हमने इस तरह से बारीक चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, या आप चाहें तो इसको हाथों से भी इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। इसको हमें डाल देना है, डाल के चलाते हुए इसको अच्छे से सौते कर लेना है। इसका कलर बदलने तक के हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इधर हमने प्याज को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें कलर आने लगा। इसी के साथ इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल के इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक कच्चापन खत्म नहीं होता है तब तक हमें इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर लीजिएगा, नहीं हमें प्याज वगैरह जो है वो जल जाएगी। इस तरह से हम चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक हम पहले भी चिकन वगैरह में डाल चुके थे, इसलिए यहाँ पे 1/2 टीस्पून ही इसमें हम नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी हमारा बहुत ही अच्छा आता है। और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमने प्याज वगैरह में भी जो है मिर्च पीस के रखी हुई है, इसलिए यहाँ पे हम कम डालेंगे। और जो मसाला हमने बना के रखा था आप देख सकते हैं उसको भी हमें इस स्टेज पे डाल देना है। डाल के अब इसको हम चलाते हुए फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लीजिए। मसाला डालते ही बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आएगी, बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हम इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इधर हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप देख सकते हैं मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया। तेल वगैरह एकदम छोड़ चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। जैसे जैसे मसाला भूनने लगता है बहुत ही इसमें से अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे हमने 1 मिनट से ज़्यादा को मसाले को भून लिया है। हम इसको यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड और भून लेंगे। देख सकते हैं जितने अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही मज़े का हमारा चिकन बन के तैयार होता है। इधर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो प्याज हरी मिर्ची और काजू का पेस्ट बना के रखा था हमें उसको डाल देना है। फ्लेम चाहे तो मीडियम टू हाई रखिए या फिर लो फ्लेम पे भी इसको अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। इस तरह से हम मसालों के साथ जो है इसको भी हम भून लेंगे। वैसे भी हमारे प्याज वगैरह जो है पकी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे। इधर हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन गया। अब जो हमारे जार वगैरह में जो पानी मसाला लगा हुआ था इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। डाल के इस तरह से इसको मसाले में डाल देंगे। फ्लेम को इस स्टेज में हम एकदम मीडियम टू लो कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है, इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको अच्छे से हम पकने देंगे पहले 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर इसकी हम एक अच्छे से भुनाई करेंगे। जितने अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतने मज़े का हमारा चिकन बनके तैयार होगा। इधर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को भूनते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। मसाला ही बहुत अच्छे से भून गया, तेल इसमें से सेपरेट होने लगा है। हमने बीच बीच में इसको 1 से 2 बार जो है चला दिया था। अभी इस स्टेज पे यहाँ पे हमें अपने चिकन को डाल देना है। जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा था हमें इसको इसमें डाल देना है। इधर हमने सभी चिकन को इसमें डाल दिया है। डाल के अब इसको फ्लेम को हमने हाई कर लिया है और हाई फ्लेम पे मसालों के साथ अच्छे से चिकन को जो है हम इसको भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे ताकि जो हमारे मसालों में जो फ्लेवर है वो चिकन में जो है अच्छे से अंदर तक के चला जाए। इसलिए आप इसको हाई फ्लेम पे चलाते हुए बहुत अच्छे से मसालों के साथ भून लीजिए। इधर हमने 2 मिनट चिकन को हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इस डिश पे यहाँ पे हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएंगे, हमें इसको सूखा नहीं बनाना है। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जितना आपको जो है ठीक रखना है, जितना पतला रखना है उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। डाल के अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हमने इसे पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने 1 कप के आसपास पानी डाला है, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला रखा है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रखा है। रख के अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। इधर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन पक चुका है। ग्रेवी वगैरह भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे हम थोड़े से हरा धनिया डाल देंगे, इस तरह से डाल देना है। यहाँ पे हमने 6 से 7 काजू लिए हैं, हमें इसको डाल देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, कवर कर देंगे और 1 मिनट तक इसको और पका लेंगे। इधर 1 मिनट हो गया हमारे चिकन को पकते हुए। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।
इधर हमारा चिकन महाराजा एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान या कुलचे के साथ सर्व कीजिए। आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकती है, बहुत ही मजे का लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी जैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।